बिहार में पूर्णतः शराबबंदी के बाद विभिन्न थाना में उस थाना क्षेत्र में जो शराब के बड़े कारोबारी हैं उनका विभिन्न थाना में लिस्ट टंगा हुआ है। मिथिला विश्वविद्यालय क्षेत्र में भी बड़े जो शराब कारोबारी हैं उनका लिस्ट मिथिला विश्वविद्यालय थाना में टंगा हुआ है। इसी क्रम में विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने मद्य निषेध कांड में फरार अभियुक्त प्रेम पासवान को किया गिरफ्तार। अधिक जानकारी देते हुए दरभंगा के सिटी एसपी ने बताया कि होली पर्व को देखते हुए मद्य निषेध कांड में फरार अभियुक्त को पुलिस छापेमारी कर गिरफ्तार कर रही है। इसी क्रम में विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के प्रेम पासवान को मद्य निषेध कांड में यह फरार अभियुक्त था, पुलिस ने छापेमारी कर किया गिरफ्तार। वहीं सिटी एसपी ने कहा कि इस पर कई मामले हैं। देखिए एक रिपोर्ट, दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। अभी आगामी होली को देखते हुए दरभंगा जिला अंतर्गत जितने भी मद्य निषेध के कांड में फरार अभियुक्त थे उनके विरुद्ध अभियान चलाकर जो है छापेमारी की जा रही थी। इसी क्रम में प्रेम पासवान, पिता परमेश्वर पासवान, बेला शंकर थाना ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की गिरफ्तारी जो है हुई है। इनके विरुद्ध जो है काफ़ी लंबा आपराधिक इतिहास है, जिसमें कि मद्य निषेध के अधिकांश कांड हैं और मारपीट और हत्या का प्रयास, ये दो कांड भी इसमें जो है दर्ज हैं। तो वर्तमान में ये तीन कांडों में फरार चल रहे थे और कुल मिलाकर के जो है 12 कांड अभी तक का जो हम लोगों ने अभिलेख का जो है सत्यापन किया है, तो 12 कांड इनके ऊपर दर्ज है जिनमें से तीन में ये वर्तमान में फरार चल रहे थे। सर कहाँ से पकड़ा गया इनको? इनको इनके निवास स्थान से यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र अंतर्गत से गिरफ्तारी हुई है। सर एक और वारंटी को भी एक दिन पूर्व पकड़ा गया था रामबाग परिसर से और आज ये पकड़ा रहे हैं, तो क्या लगता है कैसा विश्वविद्यालय थाना पुलिस कैसी उपलब्धि इस नज़र को अब देखते हैं आप? ये तो एक उपलब्धि ही है, क्योंकि हम लोग जब पूछताछ करते हैं तो इनके द्वारा अपने सहयोगियों का नाम बताया गया, जैसे कि प्रेम पासवान की गिरफ्तारी हुई है इन्होंने अपने सहयोगी का नाम बताया, तो उसी क्रम में फिर हम लोग रेड करेंगे तो पुनः जो है हम लोगों को उपलब्धि हासिल। सर मब्बी वाले कांड में भी इनका नाम? हाँ, इनका नाम जो है इसमें आया है मब्बी वाला केस में, तो हम लोग उस केस में भी इनको रिमांड करेंगे। कुछ रिकवरी हुआ है? इनके पास से वर्तमान में रिकवरी नहीं हुआ है। इनके द्वारा जो निशानदेही पे कुछ और अन्य पता बताया गया जहाँ पर कि शराब का खेप उतरता है, तो हम लोग उस पर जो है निगरानी रखे हैं और रेड की जाए। वारंटी के ऊपर तो जो कोर्ट में उन लोगों को हम लोग हाजिर करेंगे, फिर कोर्ट के निर्देशानुसार जो है कार्रवाई होगी। अच्छा सर, होली को देखते हुए सर कैसी व्यवस्था रहेगी पूरे शहर में? और होली को देखते हुए जितने भी संवेदनशील स्थान है उस पर मजिस्ट्रेट एवं पुलिस बल की जो है वो प्रतिनियुक्ति की गई है संयुक्त आदेश के माध्यम से, और गश्ती जो है उसको सुदृढ़ किया गया है, और जितने भी जेल से छूटे हुए अपराधी हैं, जितने भी अपराधी उस पर हमारी नज़र है, और हम लोग प्रयास करेंगे कि जो होली का जो त्यौहार है वो पूरी तरह से शांतिपूर्वक ढंग से जो है मनाई जाए। अच्छा, आम लोग नागरिक से मौके पर क्या अपील करेंगे आप? देखिए, होली का जो त्यौहार है उसको संपूर्ण उल्लास के साथ जो दरभंगा जिला के नागरिक है वो मनाएं, और अगर किसी प्रकार का अफवाह होता आता है उनके नज़र में सुनने में तो उसको हम लोगों के साथ साझा करें, हम लोग जो है उस पर कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। ठीक है।